पंजाब राज्य सहित हरियाणा में और साथ लगते क्षेत्रों में चंडीगढ़ में जो है वो मौसम ने करवट बदली है। कई जगहों पर रुक रुक कर जो है वो बारिश का दौर जारी है और कई जगहों पर अगर बात करें तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कई जगहों से जो जल भराव होने की जो सूचनाएं हैं वो भी प्राप्त हो रही है। ऐसे में आगामी दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, किस तरह का मौसम का मिजाज रहेगा, मौसम विभाग ने क्या इसके लिए को अलर्ट जारी किया है, या फिर किस तरह से जो है वो मौसम में एकाएक जो बदलाव आने के बाद तापमान में कितनी गिरावट आई है और लोगों को कितनी राहत मिली है, आगे के लिए मौसम की क्या प्रिडिक्शन है, इसके लिए हमारे साथ फोन कॉल पर मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक जो है सुरेंद्र पाल जी है, उनसे जानेंगे कि मौसम का आगामी समय में किस तरह का मिजाज रहने वाला है। अजी सर नमस्कार। नमस्ते अजी सर, अर्थ प्रकाश से बात कर रहे हैं। अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगामी समय में जो मौसम है उसकी क्या स्थिति बने रहने वाली है, और पिछले वर्षों की अगर बात करें तो इस वर्ष जो है वो मॉनसून किस तरह का है, या ज्यादा है या कम है? देखिए, आने वाले समय में मॉनसून कुछ इम्प्रूव तो करेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में, हालांकि मॉनसून उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी जुलाई से तो बेहतर है। और आने वाले 4 से 5 दिनों में 23, 24 और 25 तारीख में बारिश में बढ़ोतरी होगा, और हरियाणा में ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि साउथ हरियाणा में ऑलरेडी बारिश हो रही है, तो पंजाब में बढ़ेगी और चंडीगढ़ में। तो 3 दिन जो है ठीक रहेगा, और इसके बाद फिर जो है अगस्त के एंड में और सितंबर में भी संभावना है कि मानसून जैसे चल रहा है वो ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा जी। और जहां तक पिछले साल के कंपैरिजन की बात है तो मानसून इस साल पिछले साल से तो कम है, खासकर पंजाब और चंडीगढ़ में कुछ डेफिसिट चल रहा है 30% के आसपास जी जी। लेकिन हरियाणा में मानसून ठीक है, नॉर्मल के आसपास आ चुका है जी। तो अभी सर अगर बात करें तो कुछ क्षेत्रों में जो पंजाब के साथ सटे कुछ क्षेत्र है, या फिर पंजाब में जो क्षेत्र है वहां पर जो है वो काफी जो है वो अभी बारिश का दौर जारी है। कई जगह पर जो है जो अगर हरियाणा की बात करें तो जल भराव भी वहां पर हो रहा है। तो ऐसे में सर आगामी समय में अगर बात करें तो क्या जो है वो बारिश के ज्यादा होने की संभावना है, या इसमें कुछ कमी आएगी? नहीं, देखिए बारिश कुछ बढ़ सकती है अभी 23, 24 और 25 तारीख में जी। खासकर जो हरियाणा में ज्यादा उसका असर होगा जी। जो पंजाब है, पंजाब के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं और नॉर्थ के जो पार्ट है वहाँ पे पंजाब में भी संभावना है, लेकिन पंजाब में फिर भी कुछ कम रहेगा जी। लेकिन हरियाणा में जैसे कुछ एरिया जैसे साउथ हरियाणा है, NCR का एरिया है, वहाँ पे एक दो जगह पे हैवी रेनफॉल भी अगले 3 दिनों में संभावना है, तो उससे वाटर लॉगिंग वगैरह जो है और जो लो लाइंग एरिया है वहां पे जल भराव आ सकता है, वो तो संभावित है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश है जैसे पिछले साल थी जी। उस तरह का मानसून इस साल देखने को नहीं मिल रहा है और है भी नहीं, पर इतना जरूर है कि जो अगस्त और सितंबर की बारिशें हैं वो जुलाई से ठीक रहेंगी, बेहतर रहेंगी। क्या मौसम विभाग द्वारा आगामी समय के लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है अभी? हाँ, क्योंकि जैसे अभी तो 2 से 3 दिनों में हमने साउथ हरियाणा और कुछ वेस्टर्न पार्ट्स और इसी तरह से पंजाब के एक दो जगह पे हमने जो है अभी तो येलो अलर्ट रखा है हमने, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं, एक दो जगह पे हैवी रेनफॉल के चांसेस बनते हैं अगले 2 से 3 दिनों में। तापमान की अगर बात करें तो क्या गिरावट दर्ज की गई है अभी तापमान में? तापमान में काफी कमी आ चुकी है, लगा बारिशें हो रही हैं तो उससे तापमान कम आए हैं, 3 से 4 डिग्री का अंतर अधिकतम तापमान में, और न्यूनतम तापमान में तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिशें कंटिन्यू करेंगी पड़ेंगी तो आप देखेंगे कि और इसमें अंतर आएगा जी। तो ये थे चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र पाल जी, अर्थ प्रकाश से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, वेलकम, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।